जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा बाढ़ आई थी, वहां एक और तबाही मच गई, वहीं दूसरी ओर इसी बाढ़ के कारण एक अच्छा काम यह हुआ कि एक मासूम को उसका बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया। आपको यहां पर यह भी बता दें कि मुंबई से करीब एक साल पहले अगवा हुई 6 साल की बच्ची की जिंदगी ने बाढ़ की वजह से करवट ले ली, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, मुंबई और श्रीनगर के दो परिवारों के बीच किस तरीके से दिलों के तार जुड़ते हैं, आप देखिए इस कहानी में। हंसती मुस्कुराती 6 साल की मेघा, अब ना कोई डर है ना कोई दुख, अब तो बस माँ के पास जाना है, घर जाना है। श्रीनगर के थाने में पुलिस वालों की गोद में बैठी मेघा अपने परिवार से मिलने को इतनी खुश है कि बीते एक साल के सारे जख्म पल भर में हवा हो गए। करीब एक साल पहले मेघा को मुंबई के बांद्रा से अगवा किया गया था। मेघा के मुताबिक नजीर अहमद नाम के एक शख्स ने इसे अगवा किया और भीख मांगने के लिए मजबूर किया। बीते एक साल में ये यूपी, कोलकाता, सोपोर और श्रीनगर में मेघा से भीख मंगवाते रहे, लेकिन पिछले दिनों जब श्रीनगर में बाढ़ आई तो नजीर इस मासूम को पानी के बीच भूखा प्यासा छोड़कर चला गया। तो आपको कहाँ पे छोड़ा? वहाँ दरसगाह में। कहाँ पर? वहाँ। तो फिर यहाँ कैसे आ गया? किसी ने लेके आया तो मुझे क्या पता। आप अब आपके घर वाले आ गए? दादा आया। क्या बोल रहे दादा? वो कह रहा आज चले गए हम शाम को। तो जाओगे घर? जब कश्मीर में हर तरफ सैलाब और तबाही का आलम था, उस दौरान एक परिवार मसीहा बनकर आगे आया और मेघा का सहारा बना। मेघा को पहले एक दरगाह में शरण मिली थी, वहां लोग इंतजार करते कि शायद बच्ची को लेने कोई आएगा, लेकिन जब कई दिनों तक बच्ची के परिजन नहीं आए तो ये परिवार बच्ची को घर ले आया और अपनी बेटी की तरह मेघा की देखभाल करने लगा। मेरा बेटा है वो उसे ऊपर लेके आया, लाने के बाद में फिर वो हमारे पास ही रही, हमने खाना वाना खिलाया, हमने सोचा कि शायद इसका बाप काम से गया है, वो आएगा तब तक ये हमारे पास रहेगी, लेकिन वो नहीं आया। बातचीत के दौरान इस परिवार को पता चला कि इसे अगवा किया गया है। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस को खबर दी और फेसबुक पर बच्ची की फोटो पोस्ट की। फिर श्रीनगर पुलिस ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया तो मेघा के परिवार का पता चल गया। मेघा के मिलने की खबर ने निराश हो चुके उसके परिजनों में नई जान फूंक दी। मेघा के दादा श्रीनगर पहुंचे तो बच्ची ने फौरन उन्हें पहचान लिया। फिर कानूनी कार्रवाई के बाद मेघा को उसके परिवार के हवाले कर दिया गया। लड़की को लाया गया जिसके घर में था, वो लोग भी आए, बातचीत किया, फिर वो साहब ने बोला इसका सब कार्रवाई पेपर वेपर चाहिए। बच्ची ने आपको पहचाना? हाँ पहचाना। बच्ची की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी, ठीक थी। जहलम के खौफनाक पानी ने भले ही जन्नत को बेरंग कर दिया हो, लेकिन मेघा की जिंदगी में अनगिनत रंग भर दिए। कश्मीर में आई बाढ़ ने जहाँ जिंदगी को बिखेर दिया, वहीं इस नन्ही मासूम बच्ची की जिंदगी को संवार दिया है। इस मिलन ने ये भी सिद्ध कर दिया है कि मानवता का रिश्ता हर रिश्ते से बड़ा होता है। कैमरा पर्सन अली मोहम्मद के साथ खालिद हुसैन, श्रीनगर, IBN 7।